इस खबर की सह प्रायोजक है संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महारौनी रोड मसौरा कलां ललितपुर। मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर से टीकमगढ़ जा रही ओरछा कंपनी की एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहराई में जा घुसी, जिससे तेंदुखेड़ा से अभाना मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस क्षेत्र में लगातार तीन दिन से दसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन के आला अधिकारी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। गुटखा कंपनी की यह बस जबलपुर से टीकमगढ़ जा रही थी, जो कि शनिवार की दोपहर तेंदुखेड़ा मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर तेजगढ़ थाने के अंतर्गत कंसा के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंडी में जा गिरी, जिसके बाद बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। वहां से निकल रहे राहगीरों ने रुककर बस में सवार लोगों को बस से बाहर निकाला और इसकी सूचना तेजगढ़ थाने में दी थी। एव बस में सवार सभी यात्री सकुशल बच गए। एव कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। इस बस में 40 सेकंड 50 सवारियां सफर कर रही थीं। जैसा कि बस चालक ने बताया कि सड़क निर्माण और उड़ रही धूल के कारण सड़क नहीं दिखाई नहीं दी और बस अनियंत्रित होकर खंडी में जा गिरी। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर बस तेज रफ्तार में होती तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन बस की धीमी गति के कारण एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। लाइव टीवी के लिए दमोह जिले के तेंदुखेड़ा से जगदीश सिंह की रिपोर्ट।